इस सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए 10 दिन का समय दिया था, सरकार बनने के बाद में चुनावी घोषणा पत्र में था, लेकिन अभी तक 5 साल निकाल दिए और एक भी आदमी को परमानेंट नहीं किया है और मदरसा बोर्ड वालों को सबको परमानेंट किया है। ये दो तरफा तुष्टिकरण की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति है। अभी आचार संहिता लगने के 10 दिन पहले ही उनको 10,000 आदमियों को, मदरसा वालों को परमानेंट किया है और संविदा कर्मियों को सबको वंचित रखा है। और इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनने के 10 दिन बाद में ही हम परमानेंट कर देंगे, और अभी तक 5 साल निकाल दिए गए। ये वादा खिलाफी क्या यहाँ पर हुई है? अंतर विधानसभा में संपूर्ण वादा खिलाफी हुई है। कौन से? यहाँ मंत्री महोदय ने या राज्य सरकार ने ये घोषणा की थी नंदी गौशालाएं खोलने की, एक भी गौशाला या किसी यहाँ नहीं खोली गई है। उनका दावा है कि वो खुद गौशाला निःशुल्क अपने चलाते हैं। उनका दावा था, उनका वादा था हर पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने का। खुद गोपालन मंत्री भी है? हाँ, खुद गोपालन मंत्री भी हैं। ये नहीं हुआ अभी, एक भी पंचायत में नहीं हुआ। मंत्री जी के काम से कितने लोग खुश हैं ये बता दीजिए मुझे। कोई हाथ उठा सकता है? खुश नहीं है क्या? नहीं है। कुछ काम नहीं किया है? कुछ भी नहीं किया। क्या वादा किया था जो पूरा नहीं किया? निकला था जो निकला वो वादा। कोई भी जो मजदूर जाते हैं नरेगा में जाते हैं, जैसे कांग्रेस वाले को लगाते हैं, बीजेपी वाले को कोई भी नहीं लगाता है। अच्छा, ये उसमें भी देखा जाता है कि कांग्रेस का समर्थक है, बीजेपी का समर्थक है। जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का भी फायदा इसलिए देखा जाता है कि कांग्रेस का है कि बीजेपी का है? बिल्कुल, पिछली वसुंधरा सरकार में जो हमारे यहाँ पर स्थानीय लेवल पे विकास कार्य हुए थे, जो अधूरे रह गए थे उनको पूरा नहीं किया जनहित में। आगामी 25 नवंबर को जो विधानसभा के चुनाव होंगे, आम जनता में, कार्यकर्ताओं में, युवाओं में, महिलाओं में इतना उत्साह है जिसका संकेत कल नामांकन रैली में मिला है, और इतना उत्साह है कि आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान। कुछ बोल रहे हैं क्या बाबा, बोलिए। इन्होंने ये बोला था कि 3 महीने में नदी का पानी, फिल्टर पानी चालू हो जाएंगे, के अभी तक 1.5 साल हो गया, अभी तक ये टेम पानी आ रहा है अभी तक। कौन बोला था? खनन मंत्री बोला था ये, प्रमोजन भैया। अच्छा, अभी तक पानी चालू नहीं हुआ, एक टेम आते हैं, बिल वही आते हैं। 5 साल पहले वादा किया था 3 महीने में चालू हो जाएगा। पिछले साल एक नदी आई थी जिसमें वो लाइन बहती थी, कह 3 महीने में ठीक करा देंगे, अभी तक एक टेम ही नल आ रहा है, वो भी दूषित आ रहा है डायरेक्टर। ये अलग अलग कोई कह रहा है, गोपालन मंत्री होने के नाते उन गौशाला खुलवाने की बात कही थी, पानी देने की बात, कोई एक भी वादा है जो यहाँ पर धरातल पर? सर, सिर्फ इन्होंने 5 साल में अपना विकास किया है, अपने विकास पे ध्यान दिया है। इनको ये मालूम था कि भविष्य में हम, अभी नहीं लग रहा है कि मंत्री जी ने कोई काम किया है। आप लोग बता दो, किसी को भी लग रहा हो एक हाथ उठा लो। ऐसा तो नहीं है कि सारे बीजेपी के समर्थक है? सर, सिर्फ इन्होंने 5 साल में अपना विकास करने का कार्य किया है, एक भी विकास कार्य ऐसा नहीं बना बता सकते कि विधानसभा के लिए कोई मील का पत्थर साबित हो, ऐसा कोई विकास कार्य नहीं है। सिर्फ इन्होंने अपनी जेब भरने का 5 साल था। इनको ये मालूम था कि भविष्य में हमारी सरकार नहीं आएगी, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, युवा, आम नागरिक, आम लोग सभी मोदी जी के साथ हैं, इसलिए हमारा नंबर नहीं आएगा, जाने के से बिल्ली के भाग उसी का फूट गया जो हमारा नंबर आ गया। तो सिर्फ इन्होंने अपनी पुश्तों को सेट करने का कार्य किया है, सिर्फ अपनी पुस्तकों को सेट करने का कार्य किया है कि हमारी बस हमारी लाइफ सेट हो जाए, इस टाइप का कार्य किया है। सर बोलिए बोलिए। मैंने पट्टे के लिए 20 साल पहले फाइल लगाई है, राजनीतिक द्वेषता से मेरा पट्टा जारी नहीं हुआ, जबकि प्रशासन सरों के और पट्टे दिए जा रहे हैं। मुझे परेशान किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है, एक दुकान हमें कांग्रेस को दे दो, एक दुकान आप ले लो, यूं कहा जा रहा है। कांग्रेस ही मेरे पास आते हैं कार्यकर्ता, पार्षद कांग्रेस के। ये पट्टा दिलाने के लिए तो मिशन मोड में काम चल रहा है, गहलोत सरकार कह रही सबको दे रहे हैं। नहीं बना पट्टा, 20 साल से फाइल लग रही है, मैंने कितनी बार हाथ जोड़ लिए चेयरमैन के, प्रमोद भाई के पास हुए हैं 5 बार 10 बार, हाथ जोड़ लिए मेरी दुकान बचा दो, मेरी दुकान बचा दो, नहीं बचाई और तोड़ो ही, रात को 2:30 बजे तोड़ी है इसने दुकान मेरी, 200 पुलिस वाले, 100 कर्मचारी, SDO, कलेक्टर सारे वही थे, और सुनवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की, और सारों ने, सारे अधिकारियों ने कांग्रेस कार्यालय चलाया है अपने ऑफिसों में बैठ के।